एज एन सोलो क्रिएटर पूरी स्टोरी इस एक शॉर्ट के अराउंड होती है बट ये शॉर्ट लेना बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड दैट्स वाई मोस्टली पीपुल अवॉइड दिस बट देर आर फ्यू चैनल्स जिन्होंने इसे मास्टर कर लिया है लाइक रोनी एंड भारती और उस वजह से उनके वीडियो विजुअली बाकी लोगों से ज़्यादा बेटर लगते हैं वैसे स्टार्टिंग में मैं भी इन शॉर्ट को अवॉइड बट जब से मैंने इन्हें अपने वीडियो में ऐड करना स्टार्ट किया है मेरी विजुअल स्टोरी टेलिंग और ज़्यादा रिफाइन हो गई है अब आप बोलोगे ये शॉर्ट होते कौन से हैं तो अगर आप ट्रैवल ब्लॉग डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी ऐसा शूट करते हैं जिसमें यू आर द मैन सब्जेक्ट और आप इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जो सबसे हार्ड पार्ट होता है वो होता है वो इंटरेक्शन दिखाना सिंपल लैंग्वेज में बोले तो खुद को कोई एक्टिविटी करते हुए खुद ही शूट करना मीन यू गेट द आइडिया अब अगर आपको किसी और का शॉट लेना है देन यू हैव द कैमरा आप सब चीज़ें रियल टाइम में मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं तो ये इजी रहता है बट सेम थिंग जिसमें आपको खुद को शूट करना है यू नीड टू सेट द फ्रेम प्रॉपरली यू नीड टू कम एट द राइट पोजिशन फोकस सही होना चाहिए एंड लॉट मोर तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसलिए लोग इस टाइप के शॉट को अवॉइड एंड एट द एंड एडिटिंग के टाइम आपके पास खुद के ब्लॉगिंग करते हुए ए रोल होते हैं इन्वायरमेंट के बी रोल होते हैं बट जो एक चीज़ मिसिंग होती है वो होती है खुद के बी रोल की और अगर आप लंबे टाइम तक किसी एक्टिविटी को एक्सप्लेन देन यू नीड द शॉट जो आप अपने ए रोल के ऊपर स्टैक कर सके ताकि लोगों को सिर्फ आपका फेस ना देखना पड़े और जो एक्टिविटी आप एक्सप्लेन कर रहे हो लोग वो भी देख पाएँ तो एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठ के इस वैली को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने इसके ऊपर जो खुद का वैली के साथ इंट्रक्शन था उसके को शॉट डाल दिए ताकि लोग मेरे एक्सप्लेन करने वाले पार्ट से बेटर कनेक्ट हो पाएँ सो होप यू अंडरस्टैंड कि ऐसे खुद के शॉट लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू शूट योर सेल्फ एज एन सोलो क्रिएटर एंड हाउ टू मास्टर दिस टाइप ऑफ शॉट सो हेलो एवरीवन माई सेल्फ रेन और आप लोग मुझे रोड साइड ट्रेवलर के नाम से भी जानते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक बींग ए सोलो क्रिएटर ट्राईपोर्ट सबसे एसेंशियल चीज है बट इसे है कि ट्राईपोर्ट के शॉर्ट में आप क्रेजी मूवमेंट नहीं कर सकते तो इन सेम शॉर्ट में वेराइटी लाने के लिए आपको इन चार चीजों पर ध्यान देना है कैमरा पोजिशन मीन्स कि आप सब्जेक्ट के किस साइड में कैमरा रख रहे हो इट आइदर बी फ्रंट बैक साइड या फिर किसी एंगल पे। और कैमरा पोजिशन चेंज करने से शॉट में वेराइटी क्रिएट होती है एंड दे लुक विजुअली मोर प्लीजिंग इन आवर वीडियो शॉर्ट टाइप मीन्स कि आप सब्जेक्ट के साथ कितना एनवायरनमेंट दिखा रहे हो इट कुड आइदर बी अल्ट्रा वाइड वाइड मीडियम क्लोज अप और एक्सट्रीम क्लोज अप यू कैन चूज द शॉर्ट टाइप वाइड मीडियम और क्लोज अप अकॉर्डिंग द एनवायरनमेंट और आप ऐसे अलग अलग शॉर्ट मिक्स करके अपने वीडियो में वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं डेप्थ का मीनिंग है कि आपके वीडियो में फोकस कहाँ पे है अब खुद के शॉर्ट लेने रहे दैट डजेंट मीन कि हर वीडियो में फोकस आपके ऊपर ही रहे आप खुद के साथ साथ अपने सराउंडिंग एलिमेंट भी दिखा सकते हैं जैसे कभी आपने फोकस फोरग्राउंड एलिमेंट पे कर लिया या कभी आपने फोकस बैकग्राउंड एलिमेंट पे कर लिया तो एज एन एग्जाम्पल अगर इस सीन की बात करें तो यहाँ मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तारसर लेक थी तो मैंने मोस्टली शॉर्ट पर फोकस तारसर लेक पर ही रखा है अब कंपोजिशन खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है तो इन डिटेल हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे बट जनरली मैं कंपोजिशन के दो मेथड यूज करता हूँ या तो मैं सेंटर लाइन पे होता हूँ या इन रूल ऑफ थर्ड के फोर पॉइंट पे और आजकल मोस्टली हर कैमरा में ग्रिड लाइन आती हैं तो आप चेक करने के लिए कि आपका कंपोजिशन प्रॉपर है या नहीं है उस ग्रिड लाइन को ऊन करके रख सकते हैं अब इश्यू ये है कि शॉट स्टार्ट होने के बाद आप उसे मॉनिटर नहीं कर सकते तो अपनी पोजीशन को प्रॉपर रखने के लिए मैं ये दो टेक्निक यूज करता हूँ फ़र्स्ट कंपोजिशन की ग्रिड लाइन देख के कोई एलिमेंट डिसाइड जैसे इस शॉट पे मैंने डिसाइड कि ये जो स्टोन है वो सेंटर में है तो अब मुझे पता था कि मुझे मेरी पोजीशन कहाँ पे रखनी है सेकंड अगर आपका फ़ोन आपके कैमरा से कनेक्ट होता है तो आप अपने फ़ोन को एच ए मोनीटर यूज़ करके उस पोजीशन पे जाके कुछ मार्किंग कर सकते हैं जैसे कोई लाइन बना दी या वहाँ पर कुछ रख दिया तो अब शॉर्ट एट टाइम आपको पता हुआ कि आपको कहाँ पर जाके खड़े होना है और फिर भी आपकी पोजीशन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाती है तो आप एडिटिंग के टाइम उस शॉट को थोड़ा जूम इन करके पोजीशन सही कर सकते हैं तो आपको इन चार टेक्निक का तो पता लग गया बट इन्हें कैसे यूज करनी है और कहाँ यूज करनी है अब हम उस बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले एक सिंपल रूल बना लो कि हर सेकेंड शॉट में इन चारों में से कम से कम एक चीज़ तो चेंज होनी ही चाहिए फिर चाहे कैमरा पोजिशन हो शॉर्ट टाइप हो डेप्थ हो या फिर उस शॉट की कंपोजिशन और अगर थोड़ा और क्रिएटिव होना चाहते हो तो इन चारों टेक्निक को मिक्स करके भी हर सेकेंड शॉट में चेंज कर सकते हो तो इस तरीके से आपके वीडियो की कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और आपके सारे शॉर्ट डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे तो अब हम दो सिनेरियो की बात करेंगे जिनमें से पहला ये है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो तो ऐसे केस में आपको एक पॉइंट पे एक ही शॉट लेना है देन आपको चारों टेक्निक में से कुछ चेंज करना है एंड देन सेकंड शॉट लेना है और इसी तरीके से इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है सेकेंड सीनेरियों में आपको आपकी फाइनल लोकेशन शो करनी है जैसे तारसर मारसर के वीडियो में आई नीड टू शो दैट तारसर लेक तो ऐसे केस में आप अलग अलग टेक्निक को यूज़ करके एक ही जगह पे अलग अलग टाइप के शॉट ले सकते हैं एंड द रीज़न इज़ फर्स्ट ये लोकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे वीडियो का क्लाइमैक्स है सेकेंड अब मुझे टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है तो आई कैन टेक एज म शॉट एज आई वॉन्ट तो ये तो हो गया ट्राईपोर्ड से खुद के शॉट लेने के बारे में अब हम लोग बात करेंगे ट्राईपोर्ट के अलावा सेकेंड ऑप्शन की तो ड्रोन से खुद के शॉट लेने के दो मेजर बेनिफिट हैं फर्स्ट आप इसमें स्टिल शॉट के साथ साथ मूवमेंट वाले शॉट भी ले सकते हो जो कि ट्राईपोर्ट से लेना इम्पॉसिबल है सेकेंड आप इसमें क्रिएटिव एंगल से शॉट ले सकते हो जैसे टॉप डाउन एंगल एंड अल्ट्रा वाइड एंगल तो आपको करना यह है कि ड्रोन का एक्टिव ट्रैक फीचर यूज करके खुद को ट्रैक करना है देन मूवमेंट डिसाइड करनी है एंड बूम नाउ यू हैव बटरी स्मूथ मूवमेंट शॉट बिना किसी मेहनत के और अगर आपके पास ड्रोन नहीं है देन दस ओके क्योंकि आप सिर्फ ट्राईपोड वाली टेक्निक को यूज़ करके भी एक अच्छी विजुअल स्टोरी दिखा सकते हैं तो जब मैं तारसर मारसर कश्मीर में गया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ पे ड्रोन अलाउड है या नहीं है तो मैं ड्रोन नहीं लेके गया था और बिना ड्रोन के भी मैंने एक अच्छी खासी विजुअल स्टोरी शो करने का ट्राई किया और वो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगा तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं सो नाव इस टाइम फॉर फ्यू एक्स्ट्रा टिप्स और जो पहली टिप है वो ये है शो योर स्टोरी विजुअली तो हमेशा ऐसे सोच के चले कि अगर जो व्यूवर है आपकी स्टोरी को या आपके वीडियो को बिना ऑडियो के भी देख रहा है तो उसे काइंड ऑफ पूरी स्टोरी समझ में आनी चाहिए जैसे इसे सिंपल बनाने के लिए समझाऊँ तो मैं तारसर की कैंप साइट से गया था तारसर लेक देखने तो इस पूरे पार्ट को या इस पूरे सीन को आप देखोगे तो अगर आप इसको बिना ऑडियो के देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि मैं तारसर की कैंप साइड से निकला हूँ देन मैं रस्ते में से होते हुए पहुँच गया हूँ तारसर की जो लेक है उसके ऊपर तो जब भी आप कोई सीन क्रिएट करें तो उसका स्टार्टिंग पार्ट और एंडिंग पार्ट आपको पता होगा जैसे तारसर से मुझे निकलना है लेक पर मुझे पहुँचना है तो बीच में इस कंटिन्यूटी को पूरा मेनटेन करने के लिए आप कुछ ऐसे शॉर्ट दे सकते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को दिखा रहे हैं जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने चलने के शॉर्ट लिए हैं यहाँ से तारसर लेक के पहुँचने तक सो द सेकेंड टिप इज़ टेन सेकेंड रूल तो जब भी मैं खुद का शॉट लेते टाइम कैमरा को पास करता हूँ तो मैं अपने दिमाग में काउंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट जो मैं शॉट ले रहा हूँ वो मिनिमम टेन सेकेंड का तो रहे ताकि जब मैं एडिट करूँगा तो मेरे पास शॉट की लेंथ शॉर्ट नहीं रहेगी नाउ द थर्ड टिप इज प्री प्रोडक्शन जो जनरली ट्रैवल वीडियो रन एंड गन स्टाइल होते हैं आप कहीं घूमने जाते हो और आपके साथ जो जर्नी में हो रहा है वो आप अपने ट्रैवल वीडियो में दिखाते हो बट बहुत बार आपको बेसिक आइडिया रहता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या रहेगी जैसे तारसर ट्रैक पर मुझे पता था कि तारसर लेक हमारी मेन डेस्टिनेशन है तो इस केस में आप मूवीज़ या किसी और के वीडियो देख के स्क्रीन ग्रैब उठा सकते हो और अगर आपको कोई शॉट अच्छा लगता है तो वो सेम शॉट आप अपने वीडियो में अपनी स्टाइल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो तो इस तरीके से जब आप उस लोकेशन पे पहुंचोगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि कौन से शॉट तो आपको लेने ही लेने हैं उसके अलावा अब अगर आपके पास टाइम है तो आप बचे हुए उस टाइम जो आपके माइंड में आ रहे हैं वैसे शॉट भी वहाँ पर ले सकते हो तो प्री प्रोडक्शन थोड़ा करके जाओगे तो वहाँ पर जाके शूट करने वाला प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाएगा और आपको बहुत से क्रिएटिव शॉट भी मिल जाएंगे एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इस कॉन्ट्रास्ट कलर क्लोदिंग तो जैसे अगर इस शॉट की बात करें तो इस शॉट में सब्जेक्ट की साइज काफ़ी छोटी है बट स्टिल वो बैकग्राउंड से डिफरेंट दिख रहा है और उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे जो कलर चूज किया था अपनी जैकेट का वो था ऑरेंज जो कि ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट कलर है तो जो बैकग्राउंड था पूरा ग्रीन था और मैंने ऑरेंज कलर की जैकेट पहन रखी थी तो आप इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट कलर की क्लोदिंग पहन सकते हो अगर इस सेम शॉट पर मैंने ब्लैक या ग्रीन कलर की जैकेट पहनी होती तो मैं बैकग्राउंड पे मर्ज हो जाता और इतना डिफरेंट या पुप आउट होकर नहीं दिखता अब अगर आपका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है तो आप ऑरेंज या रेड कलर की जैकेट पहन सकते हो और अगर आपका बैकग्राउंड ब्लू कलर का है या ओशियन है तो उस केस में आप येलो कलर के कपड़े पहन सकते हो तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट हमेशा बैकग्राउंड से पोप आउट करेगा और अलग ही दिखेगा तो जितनी भी मेरी टेक्निक थी जो मैं प्रैक्टिकली यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में खुद के शॉट लेने के लिए वो सारी टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं और इनको मैं कैसे अपने वीडियो में ऑप्टिमाइज करता हूँ उसके लिए आप मेरे जो लास्ट के दो तीन ब्लॉग हैं आप वो देख सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रैक्टिकली इन टेक्निक को कैसे मैं अपने वीडियो में यूज़ करता हूँ और इसी तरीके का मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैं पूरा ट्रैवल ब्लॉग कैसे शूट करता हूँ उसका मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस उस वीडियो में दिखाया है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो अगर आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो और ये पूरी सीरीज जिसमें मैं स्टार्ट से एंड तक ट्रैवल ब्लॉगिंग सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ वो अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि मेरा चैनल थोड़ा अंडर रेटेड है तो आप जिस वे में सपोर्ट करना चाहें उस वे में सपोर्ट कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हों और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टिप या कुछ एक्स्ट्रा टिप हैं जो आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहें पॉसिबिलिटी है मैं आपसे कुछ सीख सकूं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मे भी हो सकता है इन फ्यूचर वो टिप्स मेरी हेल्प करेंगे मेरे ट्रैवल ब्लॉग बनाने में तो बस आज के लिए इतना ही सी यू इन नेक्स्ट वन या तो किसी ट्रैवल ब्लॉग के साथ या ऐसे ही किसी टूटोरियल के साथ टाटा बाय